Good morning, dear students. How are you? I hope you all are happy and fine. Student, this is your maths class. ये आपकी मैथ्स की क्लास है स्टूडेंट्स. लास्ट टाइम वी हैव स्टडीज लेसन नंबर थर्ड स्टडी किया था ना हमने. क्या था लेसन नंबर थर्ड आपका? सब्ट्रैक्शन अप टू 9. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट न्यू चैप्टर लेसन नंबर 4, शेप्स. शेप्स आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? शेप्स के बारे में. शेप्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? आप अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं, वो भी किसी ना किसी शेप के होते हैं, है ना स्टूडेंट्स? चलिए आज जानते हैं शेप्स के बारे में. क्या बोलते हैं इनको हिंदी में? तो बोलते हैं आकृतियाँ. आकार जो होता है ना चीज़ों का, वो कोई ना कोई अलग अलग डिफरेंट शेप्स का होता है. चलिए आज हम अच्छे से समझेंगे. चलिए सबसे पहले फर्स्ट शेप है हमारी स्टूडेंट्स, देखिए क्या दिखाई दिया आपको? गोला. इसको बोलते हैं सर्कल. क्या बोलते हैं? सर्कल. आपने सर्कल शेप की बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, है ना स्टूडेंट्स? क्या क्या चीज़ें होती हैं? मून, चांद कैसा होता है? राउंड एंड राउंड, सर्कल शेप का. और क्या होता है? बैंगल्स, जो हम चूड़ी पहनते हैं वो भी कैसी होती हैं? सर्कल शेप्स की होती है ना, गोल गोल मम्मी पहनती हैं. कैसी शेप की होती है? सर्कल शेप की. और आपकी चपाती जो आप खाते हैं, मम्मी बनाती हैं, कैसी शेप की होती है बताइए? कैसी शेप की होती है फ्रेंड्स? राउंड एंड राउंड, गोल होती है ना फ्रेंड्स. आपकी छत पर जो पंखा लगा होता है उसके बीच में राउंड एंड राउंड सर्कल होता है ना, फैन के बीच में भी देखा होगा आपने. अभी देखिए चाहे तो आप, कैसा है बीच में? राउंड एंड राउंड. किस शेप का है? सर्कल शेप का. आपने सर्कल शेप की बहुत सारी चीज़ें देखी भी होंगी. ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट शेप है हमारी सर्कल. क्या है? सर्कल. नेक्स्ट शेप देखते हैं. चलिए सेकेंड शेप है हमारी स्टूडेंट्स, स्क्वायर. इस शेप को भी आपने अपने आसपास देखा होगा, है ना स्टूडेंट्स? इस शेप का नाम है स्क्वायर. क्या क्या चीज़ होती है स्क्वायर शेप की? आपने क्लॉक देखी होगी, घड़ी देखी होगी ना आपने, है ना फ्रेंड्स? होती है ना सर्कल शेप की. कैसी हो गई है? स्क्वायर शेप की. सॉरी, स्क्वायर शेप की. आपने स्क्वायर शेप की भी क्लॉक देखी होंगी. और क्या होता है? हम ब्रेड खाते हैं सुबह नाश्ते में, कैसा होता है? स्क्वायर शेप का, है ना फ्रेंड्स? कैसा होता है? स्क्वायर शेप का. और हमारी विंडो होती हैं, कैसी होती हैं? स्क्वायर शेप की होती हैं वो भी, है ना फ्रेंड्स? होती है ना. कैसी होती है विंडो? स्क्वायर शेप की. आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखे होंगे फ्रेंड्स, अलग अलग डिफरेंट शेप के. ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ब्रेड क्लॉक, विंडो. ये सब कैसी हैं? स्क्वायर शेप की हैं. तो ये सेकंड शेप हमारी कौन सी है? स्क्वायर. ओके, जिसकी फोर साइड्स हैं, 1 2 3 4 साइड हैं. सारी कैसी हैं?
इक्वल हैं, बराबर हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड शेप है स्टूडेंट्स हमारी, कुछ इस तरीके से दिखाई देती है हमारी थर्ड शेप। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स ट्राइंगल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ट्राइंगल। ये कैसा होता है? त्रिकोण होता है। क्या क्या शेप देखी है आपने इसके जैसी, जल्दी से बताइए। आपने माउंटेन देखे, हिल देखे, कैसे होते हैं? ट्राइंगल शेप के, है ना स्टूडेंट्स? आपने बर्थडे की कैप देखी है, जो बर्थडे में भी लगाते हैं, बर्थडे बर्थडे होता है, बर्थडे पार्टियां होती हैं, पहनते हैं ना, कैसी होती हैं वो? ट्राइंगल शेप की। आप मम्मी सैंडविच बनाकर देती हैं, खाया होगा आपने, कैसा शेप का होता है? ट्राइंगल शेप का, है ना फ्रेंड्स? ट्राइंगल शेप का होता है ना सैंडविच भी। और बताइए और कौन सी शेप का होता है? आपने काइट देखी है, कैसी शेप की होती है काइट? ट्राइंगल शेप की, है ना फ्रेंड्स? कैसी शेप की होती है काइट? ट्राइंगल शेप की। इसकी कितनी साइड्स होती हैं? थ्री, 1, 2, 3। इस शेप को क्या बोलते हैं? इस शेप को बोलते हैं ट्राइंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट शेप देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फोर्थ शेप है हमारी फ्रेंड्स रेक्टेंगल। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। हिंदी में इसको आयत बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या होता है? इसकी आमने सामने की जो साइड होती हैं वो बराबर होती हैं, ऊपर और नीचे वाली एक सेम होगी, और इधर सामने वाली सेम होंगी, इक्वल होंगी। आपने इस शेप की क्या क्या चीज़ें देखी हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल तो हमारा ब्लैक बोर्ड ही है। कैसा है हमारा ब्लैक बोर्ड? किस शेप में है? रेक्टेंगल शेप में है फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स? हमारा ब्लैक बोर्ड कैसी शेप में है? रेक्टेंगल। ओके, हम डोर देखते हैं, दरवाज़ा, है ना? कैसा शेप का होता है? रेक्टेंगल शेप का, है ना फ्रेंड्स? क्या होता है? रेक्टेंगल शेप का हमारा डोर भी रेक्टेंगल शेप का होता है। हम बेड पर बैठते हैं, सोते हैं, कैसा शेप का होता है वो भी? हमारी बेड भी कैसा शेप का होता है फ्रेंड्स? रेक्टेंगल शेप का। ओके, टेबल, जो बड़ी बड़ी टेबल्स होती हैं फ्रेंड्स, वो कैसी शेप की होती हैं? वो भी हमारी रेक्टेंगल शेप की होती है। और ये आपको मेरे सामने, आपको मैं बुक दिखा रही हूँ, सॉरी कॉपी दिखा रही हूँ। ये कॉपी किस शेप में है? रजिस्टर किस शेप में है आपको? ये वाला रेक्टेंगल शेप में है, है ना स्टूडेंट्स? चलिए, ये हमने कौन कौन सी शेप देखी फ्रेंड्स? फोर शेप सीखे आज हमने। कौन कौन सी? फर्स्ट कौन सी थी, जल्दी से बताइए। सर्कल कौन सी शेप की थी? सर्कल। सर्कल कैसा होता है? राउंड एंड राउंड, है ना फ्रेंड्स? क्या क्या चीज़ें होती हैं इसकी जैसी? मून, बैंगल्स जो हम हाथ में पहनते हैं, और बताइए मम्मी चपाती खिलाती है, वो भी राउंड एंड राउंड होती है। और बताइए क्या होता है? सर्कल। और सारे आपने बॉक्स देखे होंगे, उनके ऊपर जो लगा हुआ होता है कैप,
वो भी कैसा होता है, सर्कल शेप का होता है। चलिए सेकंड शेप हमने कौन सी देखी थी, स्क्वायर, एस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर। ओके, क्या क्या होता है स्क्वायर शेप का, क्लॉक होती है हमारी, जो घड़ी होती है वो भी, बहुत सी घड़ी कैसी होती हैं, स्क्वायर शेप की होती हैं। हम ब्रेड खाते हैं जैम लगाकर ब्रेकफास्ट में, कैसा होता है, स्क्वायर शेप का। आपने चॉकलेट्स खाई होंगी, कैसी शेप में आती हैं, छोटे छोटे बॉक्स से बने होते हैं, वो किस शेप के होते हैं, स्क्वायर शेप के। थर्ड हमने देखा था फ्रेंड्स ट्राइंगल, क्या शेप होती है ट्राइंगल की, ऐसे। क्या क्या शेप आपने देखी है इसकी, जल्दी से बताइए। हम समोसा खाते हैं किस शेप का होता है, ट्राइंगल शेप का। आपने हिल देखे होंगे, वो भी कैसे होते हैं, ट्राइंगल शेप के। आप काइट फ्लाई करते हो, कैसी शेप की होती है, ट्राइंगल शेप की। फोर्थ शेप थी हमारी फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए, रेक्टेंगल, आर ई सी टी ए एन सी एल ई, रेक्टेंगल। ओके, क्या क्या देखी है आपने इसकी जैसी चीज़ें, क्या क्या ऑब्जेक्ट देखे हैं फ्रेंड्स, ब्लैक बोर्ड, टेबल, डोर्स, सब कैसे होते हैं, रेक्टेंगल शेप में होते हैं, है ना फ्रेंड्स। आई होप आपको ये फोर शेप अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपको क्या करना है, अपने आसपास ऑब्जेक्ट्स जो सारे हैं उसको देखना है, और क्या करना है, नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में, कैसे कि किस शेप की कौन सी चीज़ है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, सभी अपनी मैथ्स की बुक ओपन कीजिए जल्दी से, आपका होमवर्क है। इसमें पेज नंबर 41 खोलिए। ओके, देखिए 41 पेज पर आपको ये सारे यहाँ पर डॉट डॉट दिख रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है, ये सारी शेप को ड्रॉ करना है। ओके, ये आपका होमवर्क है फ्रेंड्स। चलिए सभी वीडियो को केयरफुली देखेंगे और अच्छे से ही समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।